नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गोठी। आप देख रहे हैं क्राइम तक। ऑनलाइन फ्रॉड, हम तमाम ऐसी खबरें पढ़ते हैं, सुनते हैं, आरोपी भी गिरफ्तार होते हैं। एक और मामला आपको बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। इंस्टाग्राम पर दरअसल एक शख्स है जिसने एक पेज बना रखा था, उसका नाम था फोनोफी। उसके 1 लाख फॉलोअर्स थे और वो तरह तरह की वीडियोस उसमें अपलोड करता रहता था। उसको लगा कि क्यों ना इसके जरिए वो कुछ पैसा भी कमा ले। पैसा कमाने की उसने एक तरकीब सोची और उसने बकायदा एक आईफोन प्रो जो है उसकी कीमत लगा दी 25,000 रुपए, जो फोन ही 1 लाख से ऊपर का आता है। अब उसने कहा कि ये फोन जो है गफार मार्केट से वो खरीद के लाया और उसने उसकी पिक्चर लगा दी, उस पर रेट लिख दिया 25,000 और तमाम उसके बायर्स आए खरीदने के लिए कि भाई हमें खरीदना है। तो उसने कहा कि ये एक अकाउंट नंबर दिया, अपना मोबाइल नंबर दिया कि उसमें वॉलेट कर दो, आप एटीएम वॉलेट कर दो। और वहां से जो है लोगों ने उसको वॉलेट भी किए, कई लोगों को उसने चूना लगाया और उसके बाद उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया, पेज को ऑपरेट करना बंद कर दिया। अब तमाम कंप्लेंट्स आई, दिल्ली पुलिस के पास भी कंप्लेंट आई, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उसके पास कंप्लेंट आई। एक लेडी ने कहा कि उसने भी इस तरह से फोन जो है उसको लेना था, उसने देखा एक इंस्टाग्राम पर फोनोफी नाम का एक पेज है, उसने वहां देखा बड़ा सस्ता फोन मिल रहा था और उसने इस तरह से जो है उसको बुक करा लिया। लेकिन जब उसने फोन किया उस नंबर पर जिसमें उसने पेटीएम किया था, वो नंबर भी स्विच ऑफ है और पता नहीं लग पा रहा है। जब पुलिस को पता लगी तो साइबर सेल के पास गया नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने एनालिसिस करना शुरू किया। फोन की जो डिटेल आने लगी, वो नंबर जो था वो सिम कार्ड बिहार से इशू हुआ था और उसकी जो लोकेशन आ रही थी वो दिल्ली एनसीआर के आसपास आ रही थी। इसके बाद जब जांच करते रहे, उसके पेज को बहुत ज्यादा गो थ्रू किया पुलिस ने, तो पता चला कि एक और शख्स है जो यूट्यूबर है जिसने सेम तरीके की बात उसके इंस्टाग्राम पेज पर ही डाल रखी है और तमाम उससे जो लिंक्ड उसके अकाउंट है उस पर डाल रखी है। उससे कम्युनिकेशन किया, उसने बताया हाँ उसके साथ भी इस तरह का फ्रॉड हुआ। उसने कहा कि कौन से नंबर पर आपने पेटीएम किया था, उसने नंबर बताया एक और। तो इस तरह से पुलिस ने कनेक्ट हुआ और पुलिस को पता चला कि दरअसल ये जो नंबर है वो सेम नंबर है और वो ऑपरेट हो रहा है। जब जांच आगे बढ़ी कि फरीदाबाद साइड से कहीं से ऑपरेट हो रहा है, पुलिस को एग्जैक्ट लोकेशन, लास्ट लोकेशन उसकी मिल गई। पुलिस मौके पर पहुंची और फाइनली ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए वो आरोपी तक पहुंच गई। आरोपी फरीदाबाद का रहने वाला था, योगेश उसका नाम था। जब उसे पूछा कि भाई ये तुमने क्या एक ये ट्रेंड शुरू किया है, शुरुआत में उसने डिनाई किया लेकिन बाद में जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारा राज खोल दिया कि इस तरह से उसने एक पेज बनाया था इंस्टाग्राम पर, उसके फॉलोअर्स धीरे धीरे बढ़ने लगे, उसके बाद उसने इस पर जो है प्रोडक्ट्स डालना शुरू कर दिया और कई लोगों को उसने चूना लगाया। पता चला कि उसने न सिर्फ दिल्ली बल्कि कई राज्यों में कई नंबर ऑफ ऐसे विक्टिम्स हैं जिनको जो है वो चूना लगा, और कई तो ऐसे विक्टिम्स हैं जो आए नहीं पुलिस के पास शिकायत करने। बहरहाल उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उसके पास से 10 से ज्यादा सिम मिले हैं, कई सारे मोबाइल्स मिले हैं, उसने लाखों रुपए इस चीज से कमा लिया था। यानी कि वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डालता था प्रोडक्ट्स और लोग ल्योर होते थे, क्योंकि ऐसी ऑफर होती थी कि कोई भी, अगर मुझे कोई कहे 25,000 का फोन जो है आईफोन 12 प्रो, वो अगर कोई कहे कि आप ले लो तो ऑब्वियसली थोड़ा अट्रैक्टिव ऑफर लगेगी, और इसी वजह से जो है काफी लोग उसकी इन ऑफर्स के जरिए जो है वो उस तक पहुंचे और ठगे गए। फाइनली इस जो शातिर ठग है उसको गिरफ्तार कर लिया है, कई स्टेट्स में इसका रैकेट था, लाखों रुपए इसके पास से रिकवर है। पुलिस का कहना है कि इससे जांच की जा रही है, आगे हो सकता है कि कुछ और भी विक्टिम सामने आए। तो दोस्तों इस वीडियो के जरिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह से ऑनलाइन ठगी का जमाना है, तो आप लोग अलर्ट रहिए, और अगर आपके साथ कोई इस तरह की ठगी हो गई है, भूलवश आपने गलती कर दी है, तो उसके बाबत जो है आप हमें बताएं, कंप्लेंट हमें मेल कर सकते हैं ताकि हम आपकी खबर को प्रमुखता से दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि आरोपी तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों। हमारे देश में कई ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। न जाने कितने ही ऐसे बेबस लोग हैं जो मजबूर हैं पैसों के साथ। आपकी एक थोड़ी सी मदद इनकी जिंदगी बदल सकती है। तो डोनेट करने के लिए या बाकी जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।